हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और फिर से स्वागत है आपका द गहना शो में। और आज हमारे सीन गेस्ट हैं मिस्टर राजकुमार कन्नौजिया जी। तो मैं आज इनसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने वाली हूँ। थोड़े चटपटे होंगे लेकिन आम शोर आपको बहुत मजा आएगा। सो राजकुमार जी, मुझे एक बात बताएं। मैंने सुना है कि आपने सारे कपूर्स के साथ काम किया है, सो एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन कौन सा प्रोजेक्ट आपने किया? जी, सच में मैं वाकई बहुत सौभाग्यशाली हूँ गहना जी। मैंने कपूर खानदान में से जैसे शशि साहब के साथ, शशि कपूर साहब, उनके साथ काम किया है रंगमंच के दौरान। फिर उनकी बेटी संजना कपूर, उनके साथ काम किया है। मैंने दो नाटक किए उनके साथ, मकरंद देशपांडे के डायरेक्शन में। फिर बाद में उन्हीं के एक बेटे हैं कुणाल कपूर, जो कि आजकल पृथ्वी थिएटर चलाते हैं, उनके साथ मैंने ऐड किया था हीरो साइकिल का, हीरो बाइक, मोटर बाइक, वो किया था। फिर बाद में ऋषि कपूर के साथ मैंने कप्स एंड, उनके इंतकाल के कुछ 7-8 महीने पहले, तो कप्स एंड, जो कि अभी बन में ऑन एयर है वो, तो है। वो ऋषिदा के साथ काम किया। फिर बाद में रणबीर कपूर के साथ मैंने बेशरम फिल्म की है, और करीना कपूर के साथ मैंने पेप्सी का ऐड किया है, और एक और कोई एक और किया, करिश्मा कपूर, नहीं करिश्मा कपूर, लेकिन हाँ मुलाकात, बातें बहुत हुई है उससे। और हाँ, राज कपूर की जो स्टूडियो आरके स्टूडियो जो कि टूट चुका है, वहां पर मैंने 2-3 शूटिंग की है, तो ये यादगार है वहां का। तो मैं रियली आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे बहुत कम होता है, सीरियसली, क्योंकि पता है कपूर के साथ मिलना ही बहुत बड़ी बात है, उनके साथ काम करना बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे एक बात बताएं, जैसे कि आप इरफान साहब के साथ काम कर चुके हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, वो कैसे इंसान रहे? देखिए, हालांकि वो नहीं है इस दुनिया में, और सीधी सी बात है, मैं सिर्फ अच्छी बातें ही करूंगा। मैं उनको संघर्ष के दिनों से जानता हूँ, और आप यकीन नहीं करेगी, मेरे पास तभी कारंटी खोंडा हुआ करती थी, तो हमारा ये तालमेल था कि भाई पेट्रोल का पैसा तू देगा और बाइक मेरी रहेगी। तो इरफान भाई 20 रुपए का पेट्रोल भराते थे उसमें, ओके, और मैं चलाता था, वो मेरे पीछे बैठते थे, और उनके पास था मारुति स्टीम थी, लेकिन पेट्रोल के पैसे नहीं थे। तो मैं तब से जानता हूँ इरफान भाई को, और इमेंसली टैलेंटेड, राधा आई वुड से फॉर्चुनेट, नहीं, गॉड गिफ्ट। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऊपर वाला खुद नवाजता, उनमें से इरफान भाई थे। तो लेकिन काम मैंने उनके साथ किया इसमें। अच्छा, उनके बारे में एक और आपको बता दूं कि जब हम हासिल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे इलाहाबाद में, तो उन दौरान मेरा स्टाइल फिल्म की प्रोमो चला था। स्टाइल मेरी काफी मकबूल फिल्म रही है, तो मैं मेन कॉमेडियन था, तो उसके प्रोमो चलते थे, और फॉर्चुनेटली उसमें मेरे प्रोमो में मैं आता था, और कमर्शियल फिल्म थी, और तब की बहुत हैपनिंग फिल्म रही, बहुत अच्छी फिल्म थी। तो प्रोमो आ रहे थे DD1 पे, तो हम लोग इलाहाबाद में 3-स्टार होटल में कोई ठहरे थे, तो इरफान भाई बोले, यार कन्नौजिया तुम तो निकल जाओगे यार इस फिल्म से, हम तो यहीं लगे रहेंगे। तो मैं बोला, इरफान भाई आप निकल पड़ेगी आपकी हासिल फिल्म से। बोला, हासिल क्या, अंडरवर्ल्ड डॉन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म लग रही है यार पूरी। बोले, तुम्हारी तो कमर्शियल फिल्म है, तो कहाँ पे कहाँ पहुंचोगे। तो इस तरह से मतलब हमारा होता था बातचीत, एंड यू वोंट बिलीव, मेरी स्टाइल शूटिंग करने के बाद और उनकी हासिल फिल्म होने के बाद वापस से हम कैंटिंग होंडा पे हम घूमते थे। और एक बात आपको बता दूं, आपके जरिए ये किसी को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, गोलमाल फिल्म में इरफान खान और मैं, हम दोनों सिलेक्ट हुए थे। इरफान भाई को रोल मिला था मुकेश तिवारी वाला वसूली भाई, और मुझे मिला था व्रजेश शेट्टी वाला, और हम दोनों फाइनल थे, हम दोनों फाइनल, सनी मॉन्ड मिल गया सब कुछ। फिर एंड वक्त पे और डायरेक्टर भी चेंज हो गया, पहले रोहित शेट्टी नहीं थे, अच्छा, प्रोड्यूसर वही थे, रोहित शेट्टी चेंज हो गया, बाद में लॉबी चेंज हो गया, और फिर सब कैरेक्टर भी चेंज हो गए। और इरफान भाई जब तक स्टार नहीं बने तब तक वो मुझे पूछते थे, क्या हुआ फोन आया तुझे? बोलो, मुझे भी नहीं, आपको फोन आया, क्या हुआ क्या हुआ, जब पता चला फिल्म रिलीज हो गई। फिर तो ये होता है पार्ट एंड पार्सल, आज भी मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट रखा है मेरे पास। हमारी इंडस्ट्री में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैं ना गहना जी एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि अंग्रेजी में कहना चाहूंगा कि एक्सेप्ट एवरीथिंग ग्रेसफुली एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट मी, एग्जैक्टली, एंड यू हैव टू प्रिपेयर,
एंड वी शुड बी लाइक आर्मी मैन कि कभी भी कहीं भी आपको बंदूक दगाना हो दगा लो बिना सोचे समझे. तो मुझे एक बात बताएं, जैसे कि लॉकडाउन जब आया था तो क्या लॉकडाउन में जैसे सभी लोग परेशान थे फाइनेंशियली और बहुत सारी चीजें, तो क्या आपने भी वो परेशानी फेस की कि नहीं अब एस्टैब्लिश्ड थे और सब कुछ सही से हो गया? नहीं देखिए, एक तो लॉकडाउन का पीरियड वाकई बहुत लंबा रहा था, 2.5 साल तो. और हम चूंकि मैं बहुत चूजी हूँ, हर तरह का काम नहीं करता हूँ और मैं पेमेंट को लेके भी एक मिनिमम रिजिट हूँ, इतना तो मिलना ही चाहिए जो मैं डिजर्व करता हूँ. जैसे मैंने पहले कहा कि शोषण सहने वाला भी गुनहगार होता है, तो मुझे गुनहगार नहीं बनना है. तो बहुत कंट्रोल कर रहा था. कोविड के दौर में टीवी के ऑफर आए जो मैंने नहीं किए, क्योंकि मैं बहुत अपने अपने उसूलों पर बहुत कायम रहता हूँ मैं, तो मैंने नहीं किया. तो अंततः जब फाइनेंशियली मैं एकदम डाउनफॉल होने लगा फाइनेंशियली, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंस का तो रेनफॉल है बाकी डाउनफॉल है. तो फिर मैंने लास्ट, लेकिन मैंने किसके सामने हाथ नहीं फैलाया, लास्ट मैंने फिर मेरे सामने एक ही विकल्प था, मैंने अपनी गाड़ी होंडा सिविक जो कि नई नई खरीदी थी वो बेच दी थी मैंने, लेकिन उसी से मेरा कोविड चला. हाँ, तो ये मेरे साथ हुआ था. और फिर बाकी जहाँ चाह वहां रहा और फिर अच्छे अच्छे शुभचिंतक मिलते रहे. और लेकिन ये कि फिर भी मेरे जैसे शख्स का रोने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में मेरा अपना 3 BHK घर है और सब कुछ अच्छा कुशल मंगल परिवार है और हमारी जरूरतें ज्यादा नहीं है. एंड आई एम अ गाय हु इज वेरी अडैप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल एट द सेम टाइम, सो आई डोंट थिंक सो वी हैव राइट टू क्रिएट. तो आप, बट मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर कि आपको अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी. नहीं देखिए गैना जी, दुख कभी किसी चीज का नहीं बनाना चाहिए. क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि देखो, व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. करेक्ट. और अगर प्रॉब्लम ही नहीं रहा और आप सॉल्व ही नहीं है तो फिर किस बात का जीना? हाँ, किस बात की लाइफ? हाँ, तो जब मैंने गाड़ी अपनी बेची, वोंट बिलीव, बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं मुश्किल से 1 हफ्ता भी मैं विदाउट गाड़ी नहीं रहा. फिर अब तुरंत दूसरी गाड़ी खरीद ली. मेरे से 4-5 दिन बाद मुझे हेमंत पांडे, एक्टर पता होगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया एक फिल्म के लिए. और कोविड के दौरान मैं भीलवाड़ा गया, जहाँ पर बिना मास्क के हम रह रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, और मुझे इतना पर्याप्त धन मिल गया, आते ही मैं दूसरी गाड़ी ली. तो ये इसलिए मैं बोला ना, कभी मायूस नहीं होने का और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करो अच्छे से और सहज रहो, सरलता से आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा. आपने, आपकी जो शब्द कोश है, जो आपकी वोकैबुलरी है, वो बहुत अच्छी है और आप जानते हैं आपको शब्द कहाँ पे यूज करना है. तो शब्दों का चयन ही तो हमारा है जो एक्टर को एक्टर बनाता है. करेक्ट. तो ये जो महापुरुष कह, सॉरी आदि पुरुष, एक्चुअली सही वर्ड बोला आपने, महापुरुष, क्योंकि उसमें काम करने वाले और काम कराने वाले महापुरुष. तो ये जो फिल्म है आदि पुरुष, हाँ, आपने देखी? नहीं देखी नहीं, लेकिन मत देखिएगा. इतना मैंने सुना है कि मैं देखना नहीं चाहूंगा. बिल्कुल मत देखिएगा. मैं फिल्म देखने गई थी, इतनी टॉर्चर हुई हो. तो आपने जो सुना है मार्केट में, क्या सुना है, आप किस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, जितना सुना है मैंने, हाँ, तो उस आधार पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये फोड़ता है. और हमारे द सो कॉल्ड, जैसे आपने पहले कहा, महापुरुष, हाँ, जो आदि पुरुष से जुड़े हुए हैं, हाँ, उन सबको ऐसी ओछी चीज नहीं करनी चाहिए. हाँ, इसलिए नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी धार्मिक विषय को आप छेड़ते भी हो, हाँ, तो उसकी इस तरह से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए. हाँ, और मुझे ताज्जुब होता है, मतलब आई एम सॉरी, मैं नाम लेना चाहूंगा मनोज मुंतशिर जी का, हाँ, जो कि इतने विख्यात है, प्रख्यात है, अच्छे अच्छे सम्मान देने के लिए, वही ऐसा उछापन कर गए. क्योंकि आप रावण के बारे में भी अगर वार्तालाप करते हो, तो रावण अपने आप में सर्वगुण संपन्न बहुत बड़े पंडित थे. तो वो मतलब इतने बड़े पंडित थे कि राम जी भी उनके सामने नतमस्तक हुए हैं. तो ऐसे का आपको अनादर करने का कोई हक नहीं है, किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, और सबकी अपनी अपनी एक अस्तित्व रहता है. तो जैसे शब्दों का चयन आपने कहा, तो मनोज जी से ये उम्मीद नहीं थी कि इस ओछे शब्दों का वो चयन करेंगे अपने संवादों के जरिए. तो ओवरऑल आई वुड रेट 0 फॉर आदि पुरुष. तो मुझे एक और बात बताएं, जैसे आप इंडस्ट्री में देखते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट काम से ज्यादा पीआर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं,
वो काम कुछ करे ना करे एयरपोर्ट के पास घूम रहे हैं, उनकी पब्लिसिटी हो जाती है है ना। सो ये जो पीआर गेम है, जो पीआर स्ट्रेटजीज हैं, जिन्हें हम स्पॉट टिप्स भी कहते हैं, वो चाइना से कभी शोरूम से निकल रहे हैं, कहीं दिख गए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरा जैसे मेरा मानना ये है गहना जी इस विषय में कि जब आदमी को पता होता है कि वो उसकी सीमा कहाँ तक है, तो यही वजह जिन जिन का आप रिप्रेजेंट कर रहे हो नाम बगैर नाम लिए, सबको दर्शकों को पता है किसके बारे में आप कह रही हो और मैं भी उसी के बारे में कहना चाहूंगा, उसे पता होता है कि उसके अंदर कला के नाम पे कोई भी चीज नहीं है। तो जब कोई कलात्मक उसके अंदर अंदरूनी गुण ही नहीं है तो वो क्या दिखाएगी या क्या दिखाएगा? तो इसलिए उनके पास शेष यही रह जाता है अश्लीलता और फोहड़ता, और इतने निम्न स्तर पर वो लोग उतर आते हैं कि फिर ये भी नहीं सोचते कि एयरपोर्ट है या मेट्रो, और कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाते हैं जस्ट बिकॉज तुच्छा सा उनको एक माइलेज मिल जाए, फालतू सा लाइमलाइट मिल जाए, विच इज वेरी रॉन्ग, डिस्गस्टिंग रादर, एंड इट्स रिडिकुलस। आई डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। करेक्ट, क्योंकि ये लोग काम से ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम पेड पब्लिसिटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और रही बात आपकी पीआर को मैं टोकना चाहूंगा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सब लोग है ना काम मांगने के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं काम मांगने के लिए, लेकिन अपने काम के ऊपर काम कोई नहीं करता। करेक्ट, तो ये एक विडंबना है हमारे देश की, खासकर बॉलीवुड की। और दूसरी बात ये है कि आपको किसी और चीज के मतलब सहारा लेने की क्या जरूरत है, फिर चाहे वो कपड़े हो या किसी के कंधे पर बंदूक तानना हो या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो मुझे लगता है आपको जरूरत है किसी चीज की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कला के लिए सिर्फ कला का प्रदर्शन होना ही इनफ है। करेक्ट, तो और एक बात पीआर को लेकर के अक्सर ऐसे बोलते हैं वो बहुत मतलब इरान इंडस्ट्री आई रियली फाइंड वेरी डबल स्टैंडर्ड पीपल अराउंड अस, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे लोग होते हैं लड़का लड़की खासकर विशेष तौर पर लड़कियां, यार तुम कैसे प्यार कर लेते हो यार, मुझसे तो नहीं हो पाता यार, मैं तो प्यार कर ही नहीं पाता, सब प्यार कर रहे होते हैं, सबका प्यार आता है, प्यार भी आता है पीआर भी आता है, और सब झूठ बोलते हैं, सबको आता है और पीआर ही ज्यादा आता है क्योंकि उनको काम नहीं आता। यहाँ मुझे बोलते यार तुमने ये कर लिया यार, ये क्या कह रहा, तुम कैसे कर लेती हो यार, तुमसे कैसे हो पाता, मुझसे नहीं हो पाता यार, कर वही रही, कर वही रही। जैसे आपने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे 26 साल आपने दी इंडस्ट्री को, आपने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे होंगे, सो कॉल आर्टिस्ट भी, सो कॉल्ड आर्टिस्ट भी नहीं कह सकते, जो अचानक से आए बॉम्बे और विद इन 2 years 3 years उनके पास गाड़ी भी हो जाती है, कार भी, मतलब सब कुछ हो जाता है, कार गाड़ी घर पैसा सब, तो ये कैसे कर लेते हैं ये लोग बिना काम किए? आपने देखे होंगे बहुत सारी लड़कियों को हर दूसरे दिन उनके पास गाड़ियां होती हैं, उनके कपड़े 10-20 हजार के होते हैं और काम तो कुछ कर ही नहीं रही होती हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सीधी सी बात है, दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं, एक सेकेंडर आर्टिस्ट होता है, एक लॉन्जिटिविटी वाला आर्टिस्ट होता है। सेकेंडर यानी कि टिकटॉकर रील्स वाले, ये सेकेंडर होते हैं जिनकी सिर्फ 30-60 सेकंड की फेम होती है इनके पास, वो लोग आगे के लिए सक्षम नहीं होते हैं, वहां तक ही रहते हैं और वो लोग नहीं परफॉर्म, दे आर नॉट अ परफॉर्मर, दे आर फूलर्स, दे फूल पीपल, ठीक है, वो वहीं तक उन लोग जा सकते हैं, उनकी सोच वहां खत्म हो जाती है 15 सेकंड के बाद, ठीक है। तो वो एक आता है, और आपके क्या था सवाल? कि बिना कुछ किए लोगों के पास इतनी बड़ी जो लग्जरी तो अभी लाइफ है, हाँ, जैसे ये लड़का लड़की सब में अमूमन देखता हूँ मैं कि आते हैं, मैं लड़की लड़की सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं लड़के के लिए भी, जलंधर के अंदर से डोले छोले लेके आते हैं और फिर विद इन फ्यू मंथ्स मतलब जो यहाँ रात को भुर्जी पाव खाते ठेले में वो डायरेक्ट JW मैरिड में बैठते हैं। तो और लड़कियां आती हैं सड़ा सा फोन लेकर और फिर आईफोन प्रो आ जाता है उनके हाथ में और वो भी बाबू सोना के अलग नंबर होते हैं। तो सीधी सी बात है कि कहां से पैसा आता है, जैसे आपकी हंसी बता रही है कि आपको पता चल गया। सीरियसली मैं देखती हूँ, आप इंस्टाग्राम देखें, इन लोगों ने 3-3 million 4-4 million फॉलोअर्स खरीद रखे होते हैं, हर 15 दिन में इनके नेल एक्सटेंशन चेंज होते हैं, 8-8, 10-10 हजार रुपए के होते हैं, इनकी हर चीज बदल रही होती है, हर चीज मतलब बिना काम के इतनी हाई स्टैंडर्ड वाली लाइफ पता नहीं लोग कैसे जी लेते हैं। तो यही वजह है कि ना जी सिंपल सी बात है,
सो आपने जैसे इंटरनेशनल सिनेमा किया, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, आप वहां तक कैसे पहुंचे, दर्शकों को बताएं? जी इंटरनेशनल सिनेमा को मेरा जो विज्ञापनों में योगदान रहा है, मैंने अब तक 350 से ज्यादा विज्ञापन कर चुका हूँ मैं, और एड वर्ल्ड में मेरा अच्छा सिक्का है। एड वर्ल्ड में मेरे साथ कोई नेगोशिएट भी नहीं करता, जो पैसे मैं मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। वो दुनिया सच में वहाँ भी ये गंदगी रायता नहीं फैला है, छीछा लेदर नहीं है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, साफ सुथरी है, और वहाँ क्लाइंट माय बाप होता है। तो वहाँ अगर राजकुमार कनौजिया या गहना वशिष्ठ है तो वही चाहिए, वहाँ पर विकल्प नहीं होता। हमारे यहाँ विकल्प है, और हमारे यहाँ टैलेंट को सेकेंडरी देते हैं। हमारे यहाँ अरे राजकुमार यार बहुत पैसे मांग रहा है, उसको लेकर से करवा लेंगे, फिर वो चाहे 50 रेटिंग दे चलेगा, चलेगा, उसको टाइम बर्बाद होना चलेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचता लॉन्ग रन में कि राजकुमार आएगा वन टेक देके जाएगा और अल्तू फालतू आएगा वो कितना रेटिंग देगा, हमारा समय का खोटी, और ये कोई सोचता ही नहीं आगे का। तो इसलिए एड वर्ल्ड में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो एड वर्ल्ड की वजह से ही मुझे इंटरनेशनल सिनेमा में अवसर मिला। यहाँ पर मेरे कुछ एक लोगों ने, वहाँ के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ऐड देखा था मेरा, एंड दैट्स हाउ आई वाज बीइंग ऑफर्ड हॉलीवुड फिल्म। आई हैव वर्क विद एमिली हैमिल्टन, आई डोंट नो वेदर यू नो हर नॉट, आई हैव वर्क विद एमिली हैमिल्टन, डैना ऑफनबर्ग, तो मैं माइकल कैरन, स्टेफनी स्टांट, तो बड़े बड़े लोग दिग्गज, जॉन डेलोंग, तो मैं बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ काम करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, और वो भी एट पार इक्वली, मतलब कहीं भी कुछ नहीं। और वहाँ सच में हम टैलेंट की कदर है, वहाँ पर कद काठी रंग रूप वेशभूषा का जरा भी तवज्जो नहीं है, वहाँ सिर्फ मेरे टैलेंट को तवज्जो दिया जाता है। तो यहाँ पर अभी भी ऐसे रहता है, यहाँ कद काठी कास्ट की क्रीड रेसिज्म एवरीथिंग कम्स फोरग्राउंड, विच इज वेरी सैड, इट्स अ डिलेमा रादर। मैं आपसे पूछने वाली हूँ इंटरनेशनल सिनेमा में कैसे गए थे, मैं भी ट्राई करने वाली हूँ आपके साथ। जी बिल्कुल, यू मस्ट बिकॉज़ यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स विद इन यू, एंड आई एम श्योर यू विल सर्टेनली। पक्के से मेरी हेल्प करने वाले हैं, व्हाई नॉट। तो ये हमारे शो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेपोटिज्म जिसपे हम हर रोज आए दूसरे दिन बातें करते हैं, नेपोटिज्म पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरा मानना ये है, एक कहावत चली आ रही है बहुत सालों से, रघुकुल की रीत सता चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसी तथ्य पर कहीं ना कहीं हमारा नेपोटिज्म भी डगमगा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, गहना आज आप और मैं, अभी तो खैर मेरा बेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, लेकिन अगर वो भी एक्टर बनता तो जाहिर सी बात है आई वुड हैव प्रमोटेड हिम। Naturally. तुम्हारी कल को बेटा बेटी तो तुम भी प्रमोट करते हैं, या तुम्हारे भांजा भांजी, कोई भी, ये होता ही है, तो हम करते ही है। लेकिन अल्टीमेटली एज आई सेड अर्लियर, टैलेंट लास्ट फॉरएवर, और वो आप सबके सामने एग्जांपल भी, बड़े बड़े दिग्गज जो मारती रहे हैं बॉलीवुड के, उनके बेटे नहीं इतना कुछ कर पाए, तो वो इसी वजह से। तो नेपोटिज्म को हम खामखा एक ये कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, बाकी टैलेंट ही सब कुछ है, माय बाप है, और आपको किसी गॉडफादर की भी जरूरत नहीं है। जब तक के आपके अंदर कला है, आपको सब कुछ पूछेंगे, और नेपोटिज्म कभी आड़े नहीं आएगा। नेपोटिज्म वहां तक ही है जब तक के आपको कोई सपोर्ट दे सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सपोर्ट दिया जा सकता है, बस वहां तक ही है। उसके बाद क्या, अल्टीमेटली ऑडियंस हमारे माय बाप होते हैं, और वही डिसाइड करते हैं किसको कौन टिकेगा कौन थमेगा, तो ये उनके ऊपर ही है। और यही वजह है कि सबको दरकिनार भी कर दिया जाता है, और ये सब पर लागू होता है। नेपोटिज्म की आप बात करती हो बॉलीवुड को लेकर के, पॉलिटिक्स में क्या है, यही तो हर जगह है, लेकिन वहां भी कितने लोग हैं, अगर बाप सक्सेसफुल है तो बेटा सक्सेसफुल है, फेलियर है, या फिर बेटा सक्सेस होता है बाप गुमनामी में रहता है, तो ये हर जगह प्रिवेल्स, इट्स वाइस वर्सा इन इंग्लिश, इट्स वाइस वर्सा, इट गोज ऑन एंड ऑन। आई डोंट थिंक सो वी शुड, हम इसे तोल देना चाहिए हमको इस बात को। सो दोस्तों ये थे राजकुमार जी, इनका क्लियरली कहना है कि अगर आप में दम है, आप में टैलेंट है, तो आप टिकेंगे, फिर चाहे आपके माँ बाप कोई भी हो। और इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप इनसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज मुझे लिख भेजें, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगी। एंड इट वॉज जस्ट लवली टॉकिंग, सेम यू, लाइक वाइज, एंड यू आर अ ब्रिलियंट एंकर, बहुत अच्छा लगा, और पहली बार किसी को मैंने देखा कि हुई सो वेरी स्पॉन्टेनियस, एंड आई लव्ड इट।
थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, हमारे शो से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। थैंक यू।